अपना गांव में घर बांधने का, राइट, अपने लिए घर बांधने का, तो ये टॉपिक में आज बात है। देखिए, तरह तरह की सिचुएशन है, ये जो घर बांधने के चक्कर में पूरा जिंदगी बर्बाद कर डालते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में आज बात करते हैं। सिनेरियो अलग अलग हो सकता है, कुछ हो सकता है कि वो गांव पे है तो उनके गांव में रहना है, सेटल है, तो वो भी घर बांधते हैं। दूसरा होगा कि गांव में है लेकिन उन हस्बैंड या बेटा कहीं बाहर गांव में है, वो पैसा बेचते हैं उसमें घर बांधते हैं, ये दूसरा हो गया। तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि उनका सेटल कई सिटी पे होगा, जैसे पुणे, बॉम्बे या दिल्ली विल्ली, कहीं पर भी वो सेटल है लेकिन गाँव में एक घर चाहिए, घर बनाना है, तो वो एक सोच विचार रहता है, वो एक मोड हो गया। और भी मोड उड़ सकता है लेकिन ये तीन सिनेरियो में बात करता हूँ। लेकिन जिनके पास पैसा बहुत फ्लो है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो फ्लो के ऊपर, वो उनका कैपेसिटी के ऊपर कुछ करना चाहते हैं तो अटक जाएंगे। तो मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूँ जो घर बनाने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप गांव में हो तो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से घर बांधना चाहिए, लेकिन घर बांधने के समय पर हमेशा आपने स्टोरी सुना रहेगा, हर एक घर आधा आधा में रुका है या फिर बना दिया है लेकिन पूरा गर्जा हो गया, राइट। ऐसा बहुत कुछ सिचुएशन होता है, 4 लाख 5 लाख समझ के घर चालू करता है, वो 40 लाख में जाके ख़त्म होता है, क्योंकि वो घर ऐसा बनना है, मेरा ऐसा एक ये था वो था, ऐसा करके ख़त्म कर डालते हैं, फिर उससे जंजल से बाहर आने का मुश्किल हो जाता है। जैसे शादी भी करने के टाइम में शादी इतना धूमधाम से करते हैं और ज़िंदगी में 10-15 साल तक उसका लोन अटका रहता है, उसके बाद कंटिन्यूस उनको प्रॉब्लम्स आते रहेगा, फिर फर्स्ट डिलीवरी उनका होम ईएमआई ऐसा वैसा, तो कहीं कहीं ना कहीं ये सब जंजल में नहीं फंसे वो बहुत अच्छा है, फर्स्ट सिनेरियो। सेकेंड, अगर बाहर गांव से कोई पैसा भेज रहा है, आपका बेटा हस्बैंड जो भी है बाहर से, तो भी अपना कैपेसिटी के हिसाब से कितना करना है उतना करिए। 4 लोग क्या बोलेंगे, 4 लोगों को दिखाना है मैं कौन हूँ और मेरा ये सपना था, ये सपना सब ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़िंदगी, आगे का ज़िंदगी बर्बाद मत करिए, जो है उसके हिसाब से आपको घर सेट करना है। थर्ड सिनेरियो हो गया कि आप सेटल बॉम्बे में, जैसे मेरे फैमिली, मैं तमिलनाडु से बिलोंग करता हूँ लेकिन सेटल मैं बॉम्बे में हूँ, बॉर्न ब्रॉट अप इन बॉम्बे, लेकिन जब आप रहने का, अब इतना साल से 40-50 साल सब यहीं पे है, अपना मम्मी पापा भी इधर ही थे, आगे भी हम लोग यहीं पे रहने वाले हैं, तो घर में इधर कोई छोटा मोटा चाल पे छोटी घर पे रह के, और घर में जाके बहुत गाँव में जाके अपना बहुत बड़ा घर आयशान बंगला बनाने का क्या जरूरत है। वहाँ पे हम लोग गाँव में 10 दिन जाएंगे साल में, जब स्कूल की छुट्टी होगा उधर 10 दिन में वो भी इधर उधर खाएंगे फिर आ जाएंगे हम लोग गाँव वाले को दिखाने के लिए। रहना देना सेटल सब इधर है, तो पैसा पहले आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जो जहाँ पे रेगुलर लेते हो वहाँ पे खुश रहना चाहिए ना। उधर लोगों को दिखाने के लिए घर बांध के, मेरा खुद का लाइफ का एक्सपीरियंस, मेरा पापा, ये लोग फैमिली में सब मेंबर्स मिलके गांव में घर बांधे थे, राइट, और रहते थे चाल पे इधर, क्योंकि उनका पूरा सपना, मैं गाँव में नाम होना चाहिए, ऐसा होना सब बताया, ठीक है, लेकिन वो तो 10 दिन जाके आ जाता ना, फिर बाकी तो पूरा 350 दिन तो इधर ही रहते हैं हम लोग, तो इधर इधर सुख से चैन से रहने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, ये छोड़ के लोग उधर जाते हैं। ये लॉजिक आपको समझना है। मैंने इस चीज़ को, मेरा पापा, मेरा फैमिली, मेरे आसपास ये लोग सब क्या करते हैं मैंने देखा, मैं इस चीज़ को क्लियर कर, गाँव वाले कुछ बोलेंगे गाँव में बराबर घर नहीं है, चलेगा यार, क्योंकि मैं जहाँ पे रहने वाला हूँ वहाँ पे मेरा घर अच्छा होना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मैं ठीक बोल रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। सो जहाँ पे आप सेटल है वहाँ पे पहले इन्वेस्ट करिए, सब कुछ करिएगा, सेटल है उसके बाद जो आपका पैसा होगा ओवरफ्लो करना ना, घर में भी चाहिए, गांव में भी अपना घर चाहिए, नाम के लिए चाहिए, डन। लेकिन वही सबसे मेन, मैंने कई दोस्तों को देखा, उनका पूरा सपना है गांव में घर बनाने का, और वो सपना घर बनाते बनाते ये टिकट ले लेंगे और खाली घर रह जाएगा, और उसका भाई बेटा वो भी कोई जाएगा नहीं, वो भी इधर ही सेटल हो जाएगा, वो भी उधर, फिर कुछ साल के बाद 30-40 ईयर्स से पहले मेरे पापा भी घर बनाए थे, पापा, मेरे पूरे फैमिली, 9 बच्चे, उनका ब्रदर सिस्टर थे, सब लोग, इतना धूमधाम से वो घर था। आज वो घर 40-50 हज़ार में बेचते हैं, इतना बड़ा मोनूमेंट था, वहाँ पे कोई रह नहीं सकते हैं, मेंटेनेंस नहीं कर सकते हैं, गिरते घर खराब हो गया, क्योंकि और इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा करने के लिए, और वहाँ पे रहने लायक भी नहीं है सिचुएशंस। तो ये सिचुएशन में पूरा उनका सपना अपना उनके साथ ही चला गया, पैसा भी गया। अगर उतना ही इन्वेस्टमेंट अगर वो बॉम्बे में करते
या यहीं जहाँ पे रहते हैं, हमारा जिंदगी चाल में रहने के पहले फ्लैट में पहले से हो जाता, राइट। तो ये जो सिचुएशन है इस चीज़ को सोचेगा, अच्छा लगा तो करना, नहीं तो जैसे गांव में घर बनना तो बन सकते हो। थैंक यू।